मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा परिसर में अवैध निर्माणों की भरमार है। मनपा कार्रवाई तो करती है, मगर कुछ लोग मनपा की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हैं। सड़क पर हाथगाड़ी लेकर धंधा करने वाले की मनपा कार्रवाई के दौरान हाथगाड़ी तोड़ दी जाती है और शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई के नाम पर एक पिल्लर या एक स्लैब ही तोड़ा जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठाणे महानगर पालिका ने आज मुंब्रा के दो इमारतों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कार्रवाई ठाणे महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी जितेंद्र साबले ने की है। मुंब्रा के अचानक नगर में एक 5 मंजिला अवैध इमारत पर कार्रवाई की है। इमारत के 4th मंजिले पर बने 7 रूम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसी 5वीं मंजिल पर भी कार्रवाई की गई है। गैस की मदद से लोहे के सरिया काट कर पिलर गिरा दिया गया है और इसी तरह मुंब्रा के गोल्डन टावर के बाजू में भी एक 5 मंजिला अवैध इमारत पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 5वीं मंजिल पर की गई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से मनपा ने इस अवैध इमारतों पर कार्रवाई की है। ये दोनों इमारतें ही अवैध रूप से हैं और धीरे धीरे कर एक एक मंजिला इन इमारतों को बनाया जा रहा था, मगर आज मनपा ने अपना हथौड़ा चलाकर इसे तोड़ दिया है। मगर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुंब्रा में दिखावे की कार्रवाई होती है, अगर कार्रवाई करनी है तो जब अवैध निर्माण की शुरुआत हो तभी कार्रवाई करनी चाहिए, न कि अवैध रूप से 5 मंजिला इमारत बन जाए उसके बाद 5वीं मंजिल पर सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जाए। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।